हेलो एवरीवन। सो आज मैं आप लोगों से शेयर करूंगी दिस फ्लॉलेस सॉफ्ट ग्लैम मेकअप ट्यूटोरियल जो कि आप बहुत ही इजीली क्रिएट कर पाओगे। सो पहले मैंने क्या किया है, मैंने यूज़ किया है पॉन्स का सुपर लाइट जेल मॉइस्चराइजर टू मॉइस्चराइज माय स्किन। देन मैंने यूज़ किया है इनसाइड का प्राइमर एंड अच्छे से इसे अप्लाई किया है फेस पे। देन मैं यूज़ कर रही हूँ इनसाइड का कलर करेक्टिंग पैलेट एंड इसमें से जो ऑरेंज शेड है उसको लेके मैं कलर करेक्शन कर रही हूँ एंड अच्छे से ब्लेंड कर रही हूँ यूजिंग ब्यूटी ब्लेंडर। देन फाउंडेशन के लिए मैंने यूज़ किया है लैक्मी 925 का फाउंडेशन एंड वेट एंड वाइट का फाउंडेशन। देन कंसीलर जो मैंने यूज़ किया है दैट इज़ मेबलिन फिट मी एंड अच्छे से इसे भी ब्लेंड करना है हमें। देन मैं बेस को सेट करूँगी यूजिंग ब्लू हेवन लूज पाउडर। देन आईब्रोज़ के लिए मैंने यूज़ किया है कलर केमिस्ट्री का आईब्रो पेंसिल। देन मैंने एक फेस पैलेट यूज़ किया है दैट इज़ कॉल्ड लाइक स्विस ब्यूटी चिकाबू फेस पैलेट एंड मैंने ब्रॉन्जिंग कर लिया है। देन इसी पैलेट में से जो ब्लशर शेड था उसको लेके मैंने ब्लश भी अप्लाई कर लिया है। देन हमें अप्लाई करना है ऑब्वियसली हाइलाइटर। सो आप देख सकते हो बेस कितना अच्छा लग रहा है, मुझे तो काफ़ी पसंद आया है। आप लोग बताना आप लोगों को कैसा लगा। देन इसी पैलेट में से जो ब्लश शेड था उसे लेके मैं आईज़ पे अप्लाई कर रही हूँ क्योंकि मुझे बहुत ही एक सटल लुक चाहिए। आप चाहो तो अगर आपको कोई ग्लैम लुक चाहिए आप ज़्यादा कुछ अप्लाई कर सकते हो। देन मैंने काजल अप्लाई किया है टिप्सी ब्यूटी का एंड इसी पैलेट में से जो ब्राउन शेड था उसको लेके मैंने काजल को थोड़ा सा स्मच किया है। देन मैंने मार्स का मस्कारा यूज़ किया है। देन लैक्मी का लिपस्टिक एंड या दिस इज़ माई फाइनल लुक। सो यू कैन सी द लुक कितना यू नो सॉफ्ट एंड कितना सटल सा लुक है बट कितना अच्छा लग रहा है। लेकिन मुझे तो अच्छा लग रहा है, आप लोग जरूर बताना आप लोगों को कैसा लगा। सो या थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।